सरकार बनने से पहले दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाया। कर्णी सेना के अध्यक्ष की मौत से कांप उठा प्रदेश। 100 करोड़ सनातनियों के एक एक आंसू का होगा पूरा हिसाब। हिंदू शेर की हत्या पर पूरे राजस्थान को मिलेगा बड़ा इंसाफ। राजस्थान में सरकार बनते ही कातिलों पर टूट पड़ेंगे बुलडोजर। मोदी शाह ने बनाया खुफिया प्लान, योगी ने लिखी पूरी स्क्रिप्ट। योगी की यूपी की तरह जल्द आरोपियों का होगा एनकाउंटर। पूरे राजस्थान में अब कभी नहीं होगी रूह कपा देने वाली ऐसी घटना। जी इधर मोदी शाह नड्डा की दिल्ली में बैठक चल रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे पर चर्चा चल रही थी कि उधर राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह ही कुछ इस बार ऐसा हुआ जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस वक्त में हुई है जब प्रदेश की कमान किसी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आया है और शपथ लेने की तैयारी चल रही है। आरोपियों ने पहले से ही खुफिया प्लान तैयार कर रखा था कि सरकार बनने से पहले और शपथ लेने से पहले ही काम तमाम करना है। दरअसल इस घटना को ऐसे समय में अंजाम इसलिए दिया गया ताकि किसी सरकार पर आरोप न लग सके। ऐसे में इस घटना के बाद आरोपियों पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह ने राजस्थान में मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले ही आरोपियों को मिट्टी में मिलाने और राजस्थान में कभी दोबारा से ऐसी घटना ना हो इसको लेकर खास प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ अपराधियों का जो हल करते हैं, वही हाल अब राजस्थान में इन कातिलों का होने वाला है। आगे हम आपको एक्शन की पूरी कहानी बताएं, लेकिन उससे पहले इस घटना के बारे में जान लीजिए। बताते चले कि बीते कल के दिन जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष की बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर किए गए हमले में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताते चले कि कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या की गई है। सुखदेव सिंह पद्मावत फिल्म के समय काफी चर्चा में थे और इन्होंने अपने संगठन के साथ फिल्म का पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं अब इनकी मौत पर कर्णी सेना के कार्यकर्ता देश भर में सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलन छेड़ दिया है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कर्णी सैनिकों ने नेशनल हाईवे जाम कर हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में हजारों जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं। बताते चले कि अभी राजस्थान किसी सरकार के हाथ में नहीं है। ऐसे में इस घटना का होना कई सवाल खड़े कर गया। एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी के शपथ समारोह में किसी ने भंग डाल दिया है, क्योंकि राजस्थान में कर्णी सेना के हजारों कार्यकर्ता हैं। ऐसे में जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक वो शांति से बैठने वाले नहीं है। इस बीच आपको बताते चले कि मोदी शाह ने इस घटना पर राजस्थान को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के योगी की तरह ही बुलडोजर एक्शन के साथ एनकाउंटर की भी कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान की कमान बीजेपी के हाथ में है तो यूपी के योगी की तरह ही प्रचंड रूप में बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बताते चले कन्हैयालाल कांड के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। इस बीच कर्णी सेना ने पूरे राजस्थान को बंद करने का ऐलान किया है। फिलहाल शपथ लेने के बाद में सरकार का तगड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान की कमान किसके हाथों में सौंपी जा सकती है। अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो समझ लो सीएम योगी की तरह ही एक्शन होगा और बुलडोजर के साथ साथ हर एक तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा। बताते चले कि कर्णी सेना के अध्यक्ष को गहलोत सरकार की तरफ से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी और हाल ही में इनकी सुरक्षा घटा दी गई थी। इससे पहले भी सुरक्षा घटाने की वजह से सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई है, जहां उनकी सुरक्षा घटाने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या कर दी थी। ऐसे में पंजाब के बाद राजस्थान में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाएगा। इस घटना पर आपका क्या कुछ कहना है हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।